myself Sanjay Rathi. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्यून मैक्लॉस्की मैथड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टेबुलेशन मैथड. राइट, नॉर्मली हम इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देता. लेकिन याद रखिए, जब आप इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में करना चाहते हैं या इस पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं फॉर मिनिमाइजेशन टेक्निक, तो ये जो मेथड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, क्योंकि ये है टेबुलेशन मेथड, जबकि के मैप जो है, चाहे वो 4 वेरिएबल्स हो, 5 वेरिएबल्स हो, 6 वेरिएबल्स हो, ये सब ग्राफिकल मेथड है, तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग बनाने में दिक्कत आएगी उसमें. राइट, इसीलिए दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, क्वेश्चन कितना आता है या नहीं आता ये मैटर नहीं करता. राइट, तो ध्यान दीजिएगा, हमने भी परमाणु बम बनाए हैं यूज करने के लिए नहीं. वो अगर हमारे पास होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है. राइट, आपके तर्कस में हर तरीके के तीर होने चाहिए. राइट, तो आप कलेक्ट कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, लेकिन जो जो रिलेवेंट है. राइट, और ये एक रिलेवेंट टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, हम अभी टारगेट कर रहे हैं गेट 2021 के लिए एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2021 के लिए. पूरा साल भर का आप प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वन बाय वन कमांड करते चले जाइए. राइट, और जितनी ज्यादा आप कमांड करोगे तो उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है क्विन मैक्लॉस्की मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेबुलेशन मेथड. इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द टेबुलेशन मेथड. राइट, ये है क्वेश्चन. आप इसे अभी, जब तक हम ये सॉल्व करेंगे तब तक आप इसे के मैप से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें बाय यूजिंग व्हाट टेबुलेशन मेथड. तो ये है क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग के मैप. ये 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4. अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय टेबुलेशन मेथड. नो डाउट टेबुलेशन मेथड का जो यूज होता है वो होता है फॉर वेरिएबल्स मोर देन दैट 4, दैट इज 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ओके, अगर जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तब फिर के मैप काम नहीं आता. हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि के मैप हम 5 वेरिएबल्स का भी बना सकते हैं और अप टू व्हाट 6 वेरिएबल भी हम देख सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. इस क्वेश्चन को आप बनाइए बाय यूजिंग के मैप और हम बनाएंगे फिर क्यून मैक्लॉस्की मेथड से. ये है क्वेश्चन बाय यूजिंग द 5 वेरिएबल. आज इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मैप. राइट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो आप देख सकते हैं 5 वेरिएबल्स में कैसे आप के मैप से सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे 5 वेरिएबल्स का के मैप बनाते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करके आप आंसर बताइए क्या आंसर आना चाहिए. आज ये हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. फिर ये है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द 5 वेरिएबल के मैप, ये आपका क्वेश्चन है. और ये है बाय यूजिंग, ये साथ में दिया हुआ है डोंट केयर कंडीशन, तो डोंट केयर को आप कैसे यूज करते हैं इसे भी सिंप्लीफाई कीजिए बाय यूजिंग 5 वेरिएबल के मैप. और इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो बाय यूजिंग टेबुलेशन मेथड, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में आप इसे बनाइए. जब तक हम नए स्टूडेंट्स के लिए अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है. तो myself संजय राठी, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ESE, GATE, PSUs, ISRO, DRDO, CIL. इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रफ कॉपी पेन कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक सिलेक्शन आपसे थोड़ा दूर ही रहेगा. ओके, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए. जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो बनेगा, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और आपकी स्पीड बढ़ते चली जाएगी. तो 9 to 9:30 AM अभी क्लासेस आ रही है रेगुलर, तो आप इसे अटेंड कीजिए. और इवनिंग में 4:30 to 5:30 हम ले रहे हैं फॉर गेट 2020. राइट, उसमें नंबर ऑफ MCQs, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. जैसे अभी टॉपिक चल रहा है CMOS, उसके बाद कुछ टॉपिक्स लेने हैं हमें EMFT पे. कुछ स्टूडेंट्स ने हमें सजेस्ट किया है सेमीकंडक्टर मेमोरीज पर बात कीजिए. ओके, हम मेमोरी वाला पोर्शन भी कवर करने वाले हैं. राइट, और कुछ का कहना है बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ BJT फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, दैट इज द बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ BJT.
क्या आपको भी लगता है ये टॉपिक कवर होना चाहिए, तो आप भी प्लीज थोड़ा इन्फॉर्म कीजिएगा। तो और ईएमएफटी पर हम लोग कुछ टॉपिक्स वीडियोस बनाएंगे और कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है फॉर गेट 2020। अभी भी 15 डेज बचे हुए हैं, आप यूज कर सकते हो। यूजफुल वीडियो है 4:30 to 5:30 PM। ये वैसे भी ये रिविजन का टाइम नहीं है, ये आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना चाहते हो इस टाइम पर, तो जरूर लाइव क्लास अटेंड कीजिए और अपने डाउट पूछिए। ये हमारी टीम है जिसे आप अनअकैडमी प्लस पर देख सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, और आप अब अपना रेगुलर कोर्स डिसाइड कर सकते हो फॉर गेट 2021 एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2021। अगर ऐसा आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपनी ब्रांच बताइए कि आपकी ब्रांच क्या है, राइट। तो आप आज आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हमारा ज्वाइन भी कीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। ज्वाइन इसलिए कीजिए क्योंकि वहां हम लगातार लेटेस्ट जो नोट्स है उसके पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, वहां आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है वहां, नोटिफिकेशन है कि आपकी कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं, ओके। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी ब्रांच बताइए कि आपकी ब्रांच क्या है वहां। इन सब को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, ये डेमो क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, राइट। देन आप देखेंगे इजिएस्ट वे टू लर्न गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं ऑनलाइन पर, राइट। पीडीएफ अवेलेबल है, हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, बहुत बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं किसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो देखिए, कंटेंट मटेरियल अपनी जगह है, बुक्स अपनी जगह है, आपको बस ऐसी फैकल्टी ढूंढना है जिससे आप जब कम्युनिकेट करते हो तो बात उनकी क्लियर हो जाती है, आपको समझ आती है कि कैसे पढ़ना, राइट। जो बता रहे हैं, देखो बुक्स आपके पास भी अवेलेबल है, मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल है, राइट। फिर कहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि वो बुक समझ में भी तो आना चाहिए, तो फैकल्टी का काम है कि उन टॉपिक्स को आपके पास इजी तरीके से ला सके। तो जिनकी बात समझ आती है वो प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कीजिए। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूं उसमें मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं यहां जितनी भी फैकल्टीज है, फर्स्ट वो हाईली क्वालिफाइड है, 3 times 4 times 5 times ईएस क्वालिफाइड फैकल्टीज यहां अवेलेबल है। दूसरा, लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मेरी ही बात कर लीजिए तो आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, वैसे ही नंबर ऑफ फैकल्टीज है और बड़ी प्रेस्टिजियस कोचिंग्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी है और हजारों लाखों बच्चों को हमने ऑफलाइन डील किया हुआ है, तो हमें पता है कैसे समझाना है। लेकिन पेशेंस, आपको एक साल लगेगा तो लगेगा, है ना, तो एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती, राइट, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप डिसाइड कीजिए और फील कीजिए जस्ट ऑफलाइन क्लासेस, बिल्कुल इंटरेक्टिव पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, आज ही स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोलमेंट करवाइए अपना। अभी जैसे गेट में मेरा कोर्स चल रहा है फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां भी है, वहां भी आप देख सकते हैं कोर्स, राइट। तो राइट, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल के लिए, ठीक है ना। ये चल रहा है रेगुलर कोर्स ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद नेटवर्क की क्लासेस चल रही हैं ऑन ESE सब्सक्रिप्शन पर। कल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्लास को अटेंड की है, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप भी फटाफट डिसाइड कीजिए। ये जो सिलेबस है ESE सब्सक्रिप्शन पर है, ESE, और मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है नेटवर्क, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को भी बात समझ में आई, राइट। और मैंने कहा है वहां टेक्स्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और मैं उन्हें बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है। तो ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इवनिंग में क्लास है 7:30 to 9, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज में अभी अपनी क्वेरीज भेजिए और आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी अभी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है फॉर ESE एंड गेट बोथ, अभी फी स्ट्रक्चर सेम है, जबकि ESE का जो सिलेबस है That is इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम वो 2 to 3 times है एज कंपेयर टू गेट, बट फी स्ट्रक्चर अभी सेम है, फॉर 1 month 5,000 rupees, 1 year 25,000 rupees एंड फॉर 2 year 40,000 rupees। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मिनिमम 1 year का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि एक साल मिनिमम लगेंगे तैयारी करने में, राइट। और साथ में अगर आप कोड यूज करते हो राठी लाइव तो और फर्दर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये तो हुई आपके बेनिफिट की बात, बेनिफिट्स क्या है सब्सक्राइब करने का, फ्री नहीं है, अफोर्डेबल है फी, आपको अपने घर से मूव नहीं करना पड़ेगा, मेट्रो में नहीं जाने की जरूरत है,
इंडिया के सब टॉप फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन पर। ओके, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दिन और रात आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं अलग अलग मीडियम के थ्रू, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आप रेगुलर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मुझसे बस इंटरेक्ट करेंगे, जितनी टॉप फैकल्टीज है उन सब के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। देन आप मोबाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, गेट और ईएसई सब्सक्रिप्शन। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पूरा गेट का सिलेबस भी कवर होगा, साथ में आपको पूरे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब कुछ करवाई जाएगी वहां। और अभी फी स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, पता कीजिए, ज्वाइन कीजिए, राइट। और जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका और उनकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर, देर मत कीजिएगा, राइट। तो ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, कोड जरूर यूज कीजिएगा RATHILIVE। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा टेबुलेशन मेथड, दैट इज द क्यून मैक्लॉस्की मेथड। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक टेबुलेशन मेथड है, इट इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपका CIL या कोई एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें मात्र ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहां पूछ लेते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, डिजिटल। तो क्या होता है जब आपको बस ये पूछेगा व्हाट अबाउट द क्यून मैक्लॉस्की मेथड और क्या डिफरेंस है, तो ये टेबुलेशन मेथड है, राइट। और जो हमारा के मैप है वो ग्राफिकल मेथड है, दोनों ही मिनिमाइजेशन टेक्निक है, राइट। और इस पर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये टेबुलेशन मेथड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एसर्शन एंड रीजन पर। ओके, बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी मीन टर्म्स जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट कीजिए और उसमें नंबर ऑफ वंस देखिए कि कितने नंबर ऑफ वंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए चार वेरिएबल है ए बी सी डी, तो आपके कितने मीन टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 0000 0001 0010 0011, राइट, 3 0100 0010 0111 0111, ये हो गया अप टू 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मीन टर्म्स को पहले आप इस फॉर्म में शो कीजिए, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 and what 15, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0, राइट, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1। ओके, अब जिस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पेयरिंग आप बनाइए कि आपके साथ नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे इंडेक्स जीरो की बात हुई, इंडेक्स जीरो अगर मैं शो करता हूं, ऐसे नंबर ढूंढिए जिसमें एक भी वन नहीं है, तो वो तो एक ही है सिंगल जिसमें एक भी वन नहीं है, और वो कौन सा है, जीरो। तो ये जीरो अलग हो गया और उसे शो कर दीजिए 0000, ये हो गया इंडेक्स जीरो और ये है मीन टर्म। अब ऐसा ढूंढिए जिसमें एक एक सिंगल वन है, सिंगल वन किस किस में है, एक वन में सिंगल वन है, टू में सिंगल वन है, फोर में सिंगल वन है, उसके बाद देखिए और एट में सिंगल वन है, यस, तो 1 2 4 8, ये एक अलग ग्रुप बन गया आपका, ये एक अलग ग्रुप है, इसे बोलेंगे इंडेक्स व्हाट, वन, राइट। और इसका नंबर लिख सकते हो 0010010, राइट, 4 ध्यान दीजिएगा 0100 एंड 8 1000, ये बन गया आपका 8 इंडेक्स। उसके बाद यहां लाइन खींच दीजिए और फिर आ गया इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 का मतलब है जिसमें आपके 2 वंस है, राइट, दो दो वन है, किस किस में दो वन है, देखिए आपका डबल डबल वन, देखिए आपका कौन कौन सा नंबर कवर हो गया उसको टिक करते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 3 में डबल वन है, 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है, 5 में डबल वन है, 6 में डबल वन है, देखिए 3 5 6, राइट, ये भी आपने कवर कर लिया 3 5
सिक्स, सेवन में नो, एट ऑलरेडी कवर है, नाइन, टेन, नाइन, टेन, इलेवन में थ्री, ट्वेल्व, ओके, ट्वेल्व एंड सो ऑन. ये है इंडेक्स टू जिसमें आपके जीरो जीरो वन वन है एंड सो ऑन, जीरो वन जीरो वन. अब आप इसे लिख सकते हैं. ऐसा करते हुए आप अगर चार वेरिएबल है तो आपका क्या हो गया, जिसमें जीरो एक भी वन नहीं है, फिर जिसमें एक एक वन है, फिर जिसमें दो वन है, राइट, और फिर इंडेक्स थ्री लिखिए जिसमें थ्री वंस हैं, फिर फोर लिखिए जिसमें चार वन है, और चार वन किस में है, एक ही में है, 15 में, राइट. तो जीरो एक हो गया और 15 अलग हो गया, बाकी सब आप डिवाइड कर लीजिए. लेकिन ये उनको करना है जो क्वेश्चन में आपको मेन टर्म्स दिया हुआ है, और उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग चलो देखते हैं क्वेश्चन के साथ, राइट. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. तो ये हम क्वेश्चन बनाएंगे सिंप्लीफाई यूजिंग द क्यून मैक्लॉस्की मेथड. ये मैंने क्वेश्चन दिया है, देखिए हम लोगों को क्या करना है इसमें. तो पहला, सबसे पहले आप जितने भी मीन टर्म्स दिए हुए हैं, किस टर्म्स में दिए हुए हैं, ए बी सी डी के टर्म्स में, तो आंसर भी आना चाहिए आपका इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए बी सी एंड व्हाट डी. तो ये है मीन टर्म्स. आप पहले जीरो को लिखिए, अगर आप देखते हैं ए बी सी डी, तो आप जीरो क्या लिखेंगे, जीरो 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 जीरो, और ये है ए बार बी बार सी बार डी बार, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट ए बार बी बार सी बार डी बार. व्हाट इज द फाइव, फाइव देखिए जीरो वन जीरो वन, देन सेवन जीरो वन वन वन, एट वन जीरो जीरो जीरो, नाइन वन जीरो जीरो वन, टेन वन जीरो वन जीरो, इलेवन वन जीरो वन वन, फोर्टीन वन 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 जीरो, एंड देन फिफ्टीन ऑल वन 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 वन. ये हो गया आपका, राइट. अब आप पहला बनाते जाइए इसमें से ग्रुप जिसमें आपका क्या है, सिंगल वन है, राइट. सिंगल वन आपका देखिए किस में, आपका सिंगल एक भी वन नहीं है, वो हो गया इंडेक्स जीरो. तो इंडेक्स में यहां लिख लेता हूं, इंडेक्स जीरो कौन सा आएगा, जीरो आएगा, जीरो 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 पहला, राइट. ये जीरो है, ये मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की, तो यहां पर हम लाइन खींच लेते हैं और पहला नंबर आ गया जीरो जिसमें एक भी वन नहीं है, उसके बाद आप एक लाइन खींच लीजिए. उसके बाद बताइए किस किस में सिंगल वन है, उसे बोलेंगे हम इंडेक्स वन. तो यहां पर है क्या कोई पेयर ऐसा जिसमें सिंगल वन है, यस, एट, और आप देख सकते हैं तो ओनली एट, तो आपका आ गया एट वन जीरो जीरो जीरो, ओके, खत्म हो गई बात. ये अब कौन कौन सा कवर हो गया उसे टिक कर लीजिए, जीरो कवर हो गया और साथ में क्या कवर हो गया, एट कवर हो गया, ओके. अब बताइए किस किस में डबल वन है, छूटना नहीं चाहिए भाई कोई भी, डबल वन फाइव, और असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, फाइव जीरो वन जीरो वन, उसके बाद आप देखिए नाइन, राइट, सेवन में थ्री है तो फाइव कवर हो गया, टिक करते चलिए, नाइन जीरो सॉरी वन जीरो जीरो वन, नाइन, नाइन भी कवर हो गया, ये रहा नाइन. उसके बाद टेन वन जीरो वन जीरो, ये टेन भी कवर हो गया, इलेवन में थ्री वन है, फोर्टीन में थ्री है, फिफ्टीन में तो फोर है, तो ये खत्म. यहां से एक लाइन खींचिए आप. अब देखिए जिसमें थ्री वन है, राइट, तो थ्री वन किस किस में है, सेवन टिक करो चलिए, उसके बाद है टेन, फिर ये भी गया, टेन के बाद है, राइट, सॉरी टेन नहीं, इलेवन, इलेवन, इलेवन भी टिक हो गया, उसके बाद है फोर्टीन. ये हो गया आपका जिसमें थ्री वंस हैं, उसका भी आप मीन टर्म्स लिख लीजिए. सेवन क्या है, जीरो वन वन वन, इलेवन वन जीरो वन वन, फोर्टीन वन 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 जीरो, देन जिसमें फोर वन है, फोर वन किस में है आपका, फिफ्टीन में, वन 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 वन. ये हो गया आपका टेबुलेशन मेथड. थोड़ा थोड़ा लेंदी है ना, प्रोग्राम बनाने में इजी है एज कंपेयर टू के मैप, आपको थोड़ा मैटर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा वेरिएबल के लिए यूज होता है, ये एक टेक्निक है. अब आप देखिए ये है टेबुलेशन मेथड, राइट. अब आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद सिंगल सिंगल इंडेक्स आपने मिला लिया, ये बन गया क्वेश्चन. उसके बाद अब आपको करना क्या है, ये देखिए
ये एक ग्रुप है, ये उससे एक आगे ग्रुप है, ये जीरो है, ये वन इंडेक्स है, फिर वन है, ये टू है, टू है, देन थ्री है, थ्री एंड देन फोर है। तो आपको जो एक एक का जो डिफरेंस है ना उसके साथ कंपेयर करना है, मतलब जीरो में वन ऐड कीजिए तो वन आएगा, वन में वन ऐड कीजिए तो टू आएगा, टू में वन ऐड कीजिए तो थ्री आएगा। मतलब आपको जीरो वाले ग्रुप से वन को कंपेयर करना, वन वाले से टू को, टू वाले से थ्री से, थ्री वाले से एंड व्हाट फोर से क्या कंपेयर करना है वो मैं आपको मेथड बताता हूं। इस ग्रुप में से कंपेयर कीजिए, एक बिट पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए, एक बिट पोजीशन में मात्र डिफरेंस आना चाहिए। जिस नंबर में एक बिट पोजीशन पर डिफरेंस आएगा उसे पेयर बनाना है। कैसे बनाना है मैं बताता हूं। देखिए यहां जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां जीरो है, यहां भी जीरो, ये जीरो, ये वन हो गया, ये तो इसका नंबर है, राइट। तो इसे भी आप अलग से, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर है। यहां चार बिट को कंपेयर कीजिए तो ये जीरो, यहां वन हो गया। तो देखिए वन बिट पोजिशन का डिफरेंस है ओनली, तो जीरो और वन का पेयर बनेगा, और ये जो जीरो और वन है यहां जहां पे डिफरेंस है वहां डैश आ जाएगा, और ये हो गया आपका जीरो जीरो जीरो, और पेयर किसका बन गया, जीरो एंड एट का। ये है आपका मेथड। कवर कौन कौन से हो गया उसे टिक कर दीजिए, जीरो कवर, एट कवर। अब ये एक ग्रुप बना, यहां खत्म। उसके बाद आप वन को टू के साथ कंपेयर कीजिए, बस वन बिट पोजिशन पर डिफरेंस आना चाहिए, वन बिट पोजिशन। यहां देखिए जीरो का वन हो गया एक बिट पोजीशन, जीरो का जीरो, जीरो का वन हो गया दो, वन का जीरो हो गया तीन, ये इन दोनों का पेयर नहीं बन सकता, एट और फाइव का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि कितने बिट पोजीशन पे डिफरेंस है, तीन बिट पर। और वैसे भी ध्यान देना, हायर नंबर का लोअर नंबर के साथ पेयर नहीं बनेगा, हायर नंबर का किसके साथ बनेगा, उससे भी जो उससे जो हाई हाई है, तो एट से हाई कौन है, या नाइन है, और एट से हाई कौन है, या टेन है, तो फाइव के साथ नहीं बनता। एट का नाइन के साथ कंपेयर करो, एक ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, देखो वन बिट पोजीशन का डिफरेंस है वन पर, अब पेयर बनेगा एट और नाइन का, और ये वन में आ जाएगा डैश, तो यहां आ गया। दूसरा ग्रुप देखेगा, वन ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो डैश, किसका पेयर बना, एट एंड नाइन का। तो ऑलरेडी एट तो कवर हो चुका था, अब कौन सा कवर हो गया, नाइन भी कवर हो गया। अब एट और टेन का भी बनेगा, इस पोजिशन पर डिफरेंस है, तो आप लिखोगे वन जीरो डैश जीरो, वन जीरो डैश जीरो, और ये हो गया एट एंड व्हाट टेन, एट एंड टेन की पेयरिंग, ये भी गायब। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है, राइट, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखिए फाइव को सेवन के साथ कंपेयर कीजिए, कितनी बिट पोजीशन में डिफरेंस है, यस वन सेम है, जीरो का वन हो गया, वन का वन है, यस फाइव और सेवन का पेयर बन सकता है। लेकिन देखो आपने इसके साथ इसको बनाया था, एक ग्रुप बन गया, इसको इसके साथ अभी आपने कंपेयर कर लिया, अब तीसरा ग्रुप, ये फाइव सेवन के साथ कंपेयर कीजिए, तो आपका जीरो सेम रहेगा, राइट, वन सेम रहेगा, डैश ये डिफर आ गया, और वन, और यहां आपका आ गया फाइव एंड व्हाट सेवन, कौन कौन सा कवर हो गया, फाइव कवर सेवन कवर। क्या फाइव और इलेवन का बन सकता है, राइट, नो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का कितने बिट का डिफरेंस है, वन का वन है, जीरो का वन हो गया एक, वन का जीरो दो, तीन बिट का, नो। फाइव और फोर्टीन आप चेक कर सकते हो, नो। फिर नाइन और इलेवन, यस नाइन और इलेवन का आपका पेयर बन रहा है, और आप चेक करेंगे तो नाइन वन जीरो कहां डिफरेंस है, ये वन हो गया डैश, राइट, और ये है वन, नाइन इलेवन। देन उसके बाद देखिए नाइन और फोर्टीन क्या बन सकता है, नो, इलेवन कवर, देन टेन इलेवन, यस टेन इलेवन। तो देखिए क्या आ रहा है टेन इलेवन में, वन का वन जीरो, वन डैश, ये है डिफरेंस टेन इलेवन। और मैं अभी आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेन और फोर्टीन, यस वन डैश वन जीरो टेन फोर्टीन, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये आपका पेयर बन गया। ओके, कौन कौन से कवर हो गए, ये भी कवर हो गया। अब फिर से लाइन खींचिए, उसके बाद अब देखिए सेवन का फिफ्टीन के साथ पेयर बन रहा है क्या, सेवन एंड फिफ्टीन, यस, इसको लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं, तो डैश वन वन वन, दिस इज द सेवन एंड फिफ्टीन। फिर देखिएगा इलेवन एंड फिफ्टीन, यस
1-11 एंड 15, और फिर देखिए 14 एंड 15, यस 111-14 एंड व्हाट 15, तो जिस पोजीशन में डिफरेंस है सब कवर हो गए, ये ऑलरेडी यहां भी सब कवर हो गए थे, 14 एंड 15 पूरे आ गए, इससे इसमें आ गए, इससे आप इसमें आ गए, अब लास्ट वन ये, एंड दैट इज द टेबुलेशन मेथड, राइट। होप सो आपको बात क्लियर हो रही है, जो जो भी देख रहे हैं यस और नो में आप जवाब दे सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा ना आपको एग्जाम में क्या चीज आती है क्या नहीं आती, इफ इट इज इन अ सिलेबस तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, और जिस समय आएगा उस समय आपकी तैयारी कितनी है ये मैटर करता है, ओके। और तीन तीन चार चार फेज में एग्जाम्स होते हैं, पहले प्री होगा, फिर राइट मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, गेट में भी वही हाल है, गेट आपने दिया फिर आपको फिर से रिटर्न लिया जाएगा एनटीपीसी का, फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो किस स्टेज में आपको किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यू हैव नो आइडिया। आपको जितना आपके सिलेबस में है वो सब आपको पता होना चाहिए और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो ये है यहां तक। उसके बाद टेबुलेशन मेथड, जब आप यहां तक पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अब आप इसको इसके साथ पेयर बनाओ, ये हम लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, 0889, अब उसमें कंपेयर कीजिए जिसमें डेस सेम पोजीशन पे, क्या यहां डेस सेम पोजीशन पे है, नो तो इसका इसके साथ किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल रह गया यहां, राइट 08। अब नीचे वाले को, इस ग्रुप को, इस ग्रुप को इसके साथ वहां बनाइए जहां डेस एक सेम, पहले तो डेस सेम जगह पे होना चाहिए, तो देखो 89 और 10-11 का डेस कहां है, सेम जगह पे, राइट। अब देखिए दूसरी बिट पोजीशन पे कहां डिफरेंस कर रहा है, ये देखो यहां पर ये जीरो यहां वन हो चुका है, ये जीरो का जीरो है ये वन का वन है, तो आप 89-10-11 को पेयर बना सकते हैं, और 89 और 10-11 को पेयर बनाएंगे तो जहां आपका डिफरेंस है उसे डेस कर दीजिए, तो आप देखिए क्या आ रहा है, 1-0 सेम, डैस ध्यान दीजिएगा डैस और फिर डैस, और यहां पेयर हो गया 8-9-10 and 11, 8-9-10-11 क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, सॉरी ये वाला, राइट इसको कट दे, ये यस, ये अलग ग्रुप है, यस। आप सिमिलरली देखो 8-9 और किसी के साथ पेयर बन रहा है, 8-9 यहां पर डैस गलत जगह नहीं हो सकता, आप बताइए 8-10 का किसके साथ पेयरिंग बन रही है, 8 और 10 डैस सेम जगह पे है, किसके साथ बन रही है, 9 और 11, और जब आप पेयर बनाओगे तो यही सेम आ जाएगा, तो ये भी आपका कवर हो गया और आंसर आपका सेम आ रहा है, इसलिए डबल डबल लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो एक ये ग्रुप बन गया, ये दोनों आपके कवर हो गए, और आप इसके साथ कवर नहीं कर सकते क्योंकि डेस्क की पोजीशन आपकी और कहीं सेम नहीं है, राइट। हाँ 8-9 की आपके 5-7 पे डेस्क सेम है, लेकिन ये नंबर देखो कितने बिट का डिफरेंस है, 1-2 और 3, तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं बन सकती, ओके। तीसरा आपका इस ग्रुप के साथ 5-7 को इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्या डेस्क सेम जगह पे है इस ग्रुप में, नो तो 5-7 की पेयरिंग इसके साथ नहीं बनेगी। सेकेंड वाले को देखिए यहां पर डैश है, यहां कहीं डैश है उस जगह पे, नो इसकी भी पेयरिंग नहीं बनेगी। थर्ड पोजीशन पे डैश है, ये देखिए 10-11 and 14-15 की पेयरिंग दिख रही है क्योंकि डैश सेम जगह पे है 10-11, 14-15 और ये जीरो डिफर है, तो अब दूसरा जो ग्रुप बनेगा 10-11, 14-15, तो 10-11, 14-15 इज इट क्लियर, किस जगह पे आप यहां देख सकते हैं 10-11, 14-15 वन डैश, राइट वन डैश 10-11, 14-15, ओके। तो चलिए ये आ गया आपका 10-11, 14 and 15। अब पॉइंट देखते हैं उसके बाद, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अभी एक बार आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं क्या तरीका है इसका। उसके बाद देखिए 10-11, 14 जो जो कवर हो गया उसको टिक जरूर कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद डैश सेम जगह पे नहीं है, नो पेयरिंग। उसके बाद देखिए 10-14
11, 15, बात सेम है 10, 14, 11, 15 में फिर यही आंसर आ जाएगा, तो ये आपका ये भी कवर हो गया। देखो डैश सेम जगह पे और जहां जो डिफर कर रहा है उसको हटा दीजिए, तो ये भी पॉइंट यहां आ गया। और उसके बाद 5, 7, 7, 15 की पेयरिंग है, नो राइट, देयर इज नो पेयरिंग, आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद अब ये बच गया, ये आ गया आपके आंसर। Now these are what prime implicants. These are what prime implicants. इसके बाद जिस जिस में टिक नहीं है वो आपके बन गए हैं prime implicants. तो कौन कौन से हैं prime implicants? अगर मैं इसे नंबर देता हूं तो ध्यान दीजिएगा, that is अब लास्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं, इसकी pairing और अब इसके ज्यादा possible नहीं है, okay? और जब इससे ज्यादा possible नहीं है तो हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर हमारे पास बच रहा है, हम इसे नंबर देना चालू करते हैं। तो चलिए हम इसे नंबर दे देते हैं जो जो बच गए, कौन कौन सी पेयरिंग नहीं हुई, ए, तो इसे हम दे देते हैं ए। उसके बाद और कौन सा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बी, राइट, जो जो टिक नहीं है, दिस इज द बी, और यहां देखिए दिस इज द सी, और ये है डी, और लेट इट इज व्हाट, ई। तो देयर आर फाइव प्राइम इंप्लिकेंट्स, ए अब आपका हो गया। बस पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये ए बी सी डी है, तो ए की वैल्यू हो गई बी बार सी बार डी बार, ए गायब हो चुका है, बी बार सी बार डी बार। सिमिलरली आप सी को लिखेंगे तो बी सी डी, क्योंकि ये देखिए बी सी डी बी सी डी, ये हो गया। बी को आप लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, ए बार बी डी, तो आप लिखते चले जाते हैं, तो प्राइम इंप्लिकेंट देखिएगा ए, राइट, तो प्राइम इंप्लिकेंट्स ए हो गया बी बार सी बार डी बार, चेक कर लीजिएगा बी बार सी बार डी बार। फिर हम बात कर रहे हैं बी की, तो देखिएगा ए बार बी डी, ए बार बी डी, राइट, और साथ में नंबर जरूर लिखिएगा, इसने कवर किया है 0 और 8 को, इसने कवर किया है आपका 5 और 7 को। फिर तीसरा हम लिख रहे हैं सी, सी में आप देखिए आपके पास नंबर है बी सी डी बी सी डी बी सी डी, नंबर किसको कवर किया आप जरूर देखिएगा 7 और 15, राइट, उसके बाद डी, हमारा डी है 8, 9, 10, 11, दो ही आ रहे हैं ए बी बार, ए बी बार 8, 9, 10, 11, और लास्ट है ई। अब देखिए ई में उसने कवर किया है, यहां देखियो ए सी, ए सी 10, 11, 14, 15, ए सी 10, 11, 14 and what 15, these are the prime implicants, okay? तो ये हम निकाल सकते हैं prime implicants, there are five prime implicants. मैंने आपको कहा था आप इस क्वेश्चन को के मैप से बनाकर रखिए और आंसर आपको मैच करना है, राइट, उसके बाद प्राइम इंप्लीकेंट्स टेबल बनाइए, यहां जितने भी क्वेश्चन में मीन टर्म्स दिए हुए थे उस नंबर को आप लिख लीजिए, जैसे पहला मीन टर्म्स दिया हुआ था 0, मैं आपको बता दूं 0, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 मीन टर्म्स दिए हुए थे, तो 0, 5, 7 देख लीजिएगा 8, 9, 10, 11, 14 and what 15, ये आपको दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन टर्म्स। अब आप क्या कीजिए, इसकी एक टेबल बनाइए जिसको बोलते हैं मीन टर्म्स टेबल, ठीक है ना, प्राइम इंप्लिकेंट और प्राइम इंप्लिकेंट्स टेबल, ये है प्राइम इंप्लिकेंट्स टेबल, ओके, दिस आर द प्राइम इंप्लिकेंट्स टेबल। आप देखिए ये किस किस नंबर को कवर कर रहा है, ये पहला जो हमारा मीन टर्म है 0 और 8 को कवर कर रहा है, जिसको कवर कर रहा है उसमें क्रॉस कीजिए 0 और what 8, उसके बाद ये 5 और 7, तो ये है 5, ये है 7, 5 और 7 को कवर कर रहा है, 7 और 15, तो 7 और what 15,
उसके बाद 8, 9, 10, 11, तो 8, 9, 10 and 11, और ये है 10, 11, 14, 15, 10, 11, 14 and what 15, ये आ गया प्राइम इंप्लिकेंट्स टेबल। अब आपको कॉलम वाइज देखना है कि किसमें सिंगल टिक है, जिसमें भी सिंगल टिक है वो आपका है एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स, मतलब वो आंसर में रहेगा ही। किसमें सिंगल टिक है, ये इसमें देखो आपका सिंगल क्रॉस है, इसमें भी सिंगल क्रॉस है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो जिसमें आपका सिंगल टिक है वो है एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स, मतलब ये क्रॉस लगा हुआ है तो उसमें आप एस्ट्रिक लगा दो, ये है एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स ए। उसके बाद आपका दूसरा एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स है जिसमें सिंगल कॉलम में टिक है 5, तो ये भी आपका एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स है, एसेंशियल मतलब ये आपका आंसर में रहेगा ही। और उसके बाद और देखते हैं और कौन सा सिंगल टिक है, ये वाला सिंगल टिक है 9 वाला, तो ये भी एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स है, स्टार लगा दीजिए। और देखे जरा 14 वाले में भी एक देखिए सिंगल टिक है, ये भी आपका एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स है, राइट। ये हो गए एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स 1, 2, 3 and what 4, राइट। नाउ एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद अब बस आप ये देखिए कि जो एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स है वो किस किस नंबर को कवर कर रहे हैं, तो आप उसमें टिक लगाते चले जाइएगा। देखिए जो ये एसेंशियल है ये किसे कवर कर रहा है, 0 and 8 को, तो 0 और क्या कवर हो गया, 8 कवर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा वाला 5, 7, तो 5 और 7 कवर हो गया। उसके बाद देखिए 8, 9, 10, 11, तो 8 तो ऑलरेडी है, 9, 10 and 11 कवर हो गया, और ये कवर कर लिया इसने 14 and 15 को, फिनिश्ड। तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है बीसीडी, एंड दैट इज द आंसर, ये आंसर में रहेगा। और आपका फंक्शन का आंसर हो गया B bar C bar D bar plus A bar BD plus AB bar plus AC, and that is the answer. ये है method, right? आप जितनी देर में आपने method समझा तो आप बोल सकते हो उससे कई fast हम लोग क्या बना सकते थे सर, K map में बना सकते थे। अब मैं आपको बताता हूं कितने लोग हैं जो YouTube में live आते हैं, right? बहुत सारे technical persons है यहाँ, क्या आप में इतना पेशेंस है कि लगातार आप आधे घंटे की एक घंटे की वीडियोस को आप देखते हैं पूरा? अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, पेशेंस रखिए। आप अगर ऑफलाइन क्लास में एक बार आप आ जाते हो, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप एंटर कर गए और सपोज 3 घंटे की क्लास है, तो 3 घंटे तक आप उस क्लास से मूव नहीं कर सकते, भले आपको कितनी ही नींद क्यों ना आ रही हो, राइट। थोड़ी देर में नींद आती है आप हट जाते हो, फिर थोड़ा अलर्ट होते हो, बोर्ड की तरफ फोकस करते हो, तब जाकर कहीं 10 से 15 दिन बाद आपको क्लास समझ में आने लगती है, फिर आप रूटीन पे आ जाते हो। मैं अपने डेली का एक्सपीरियंस बता दूं, हर क्लास चलती थी मिनिमम 6 घंटे, मतलब ब्रेक होता है बीच में हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक, लेकिन मिनिमम 6 घंटे लगातार जब क्लास चलती है साल भर, तब जाकर इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोर्स कंप्लीट होता है, गेट का कोर्स कंप्लीट होता है। तो ऑनलाइन में भी आपको उतना ही डिसिप्लिन बनाना होगा। अभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद वापस आएंगे, फिर बोलेंगे छोड़ो हटाओ, जब सर कवर कर लेंगे तब हम उसको पूरा पढ़ लेंगे, राइट। तो आपको अगर ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ना है तो हर वर्ड पे आप फोकस कीजिए क्या बोला जा रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी टीचर की क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन में भी हमको डिसिप्लिन बनाना होगा और लिख लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है टेबुलेशन मेथड, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसे वेरीफाई कर सकते थे, आप इसे देखना चाहते हैं के मैप से, तो याद रखिएगा आपका जो मीन टर्म दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ था ए बी सी डी समेशन 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 and what 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप इसे के मैप में बना सकते थे। यस, A bar B bar A bar B A B and A B bar C bar D bar C bar D C D and C D bar, ओके आप इसे देख सकते हो वैसा।
0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. आप भी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए फास्ट. आपका के मैप से क्या आंसर आया है? तो 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11 and what 14 and 15. ये आप पॉइंट देखिए आपकी. यहां अगर चार चार की पेयरिंग हम देखेंगे, पहले आठ की पेयरिंग सबसे पहले देखते हैं, 16 नहीं बन रहा है, फिर आठ, एट भी नहीं है, फिर फोर. तो यस, ये फोर की पेयरिंग हो गई एक, ये, और उसके बाद ये आपकी फोर की पेयरिंग हो गई. ध्यान दीजिएगा, ये आपकी फोर की पेयरिंग हो रही है. दो अगर आपकी फोर की पेयरिंग हो गई, उसके बाद इसको चाहे इसके साथ बनाओ, चाहे इसके साथ आप कवर कर लीजिए, चाहे आप इधर ले सकते हैं या फिर इधर ले सकते हैं. तो आपने ये नंबर देखा, ये कॉर्नर वाले, इसके साथ इसको पेयरिंग बना सकते हो आप, यस. और इन दोनों की आपने पेयरिंग बना ली, ओके. और आप आंसर चेक कर लीजिए, क्या ये आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो देखो, 7 और 15 की एक जो मीन टर्म बन रहा था वो रिडंडेंट हो गया, ठीक. तो यहां से आपका आंसर आ रहा है ए बी बार दिस वन प्लस ये जो चार है, आप वहां देख सकते हो एक ए आ जाएगा और यहां से सी आ जाएगा. तो ए सी प्लस ये दो कॉर्नर वाले, जो इसको और इसको आपने पेयर बनाया है, यहां से ए बार कैंसिल, बी बार आ जाएगा. और क्या आ जाएगा आपका? बी बार, सी बार, डी बार प्लस. और इन दोनों के लिए आपका यहां से देखेंगे सी कैंसिल, ए बार बी डी, ठीक है ना, ए बार बी एंड व्हाट डी सी कैंसिल, राइट. और यही आपका आंसर आया था बाय यूजिंग द टेबुलेशन मेथड. बी बार, सी बार, डी बार, ए बार बी डी, ए बी बार एंड ए सी, राइट. ये है फंक्शन. हां, वहां एक एक्स्ट्रा मीन टर्म आया हुआ था, ये वाला, ये पॉइंट 7 एंड 15 जब सब कवर हो गए तो ये वाला जो मीन टर्म है ना, दैट इज नॉट नेसेसरी. तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन प्राइम इंप्लीकेंट्स में ये काउंट जरूर होगा. कल भी मैंने आपको बताया था, अगर इसमें पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो देखिए ये एक, ये दो, जितना मैक्सिमम बन सकता है दो, ये तीन और ये चार और ये व्हाट पांच. तो पांच प्राइम इंप्लीकेंट्स है, फाइव. हाउ मेनी एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स जिसमें एक एक बार मीन टर्म कवर हो रहा है. देखो, इसमें ये एक ही बार कवर हो रहा है एसेंशियल, इसमें ये एक ही बार कवर हो रहा है एसेंशियल है, ये चीज एक ही बार कवर हो रही है, ये भी एसेंशियल है, ये एक बार कवर हो रहा है, ये एसेंशियल है, लेकिन इसमें दोनों जो है मीन टर्म्स दो दो बार कवर हो रहे हैं, नॉन एसेंशियल है. तो फोर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स है. यही चीज टेबुलेशन मेथड में बताई गई है, जिसमें सिंगल टिक है, इसको बोलते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स टेबल, ओके. तो होप सो ये बात समझ में आई होगी. यस, हाँ नितिश, क्या पूछा गया? इन्वर्टर दे आस्क हाउ द प्रोग्रामिंग बिकम सिंपलर यूजिंग द क्यून मैक्लॉस्की मेथड. तो प्रोग्रामिंग सिंपल है ना, बिकॉज इट इज अ, देखो आप बस इतना जवाब दे सकते थे, कैसे प्रोग्राम होगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. कैसे प्रोग्रामिंग इजी है? बिकॉज इट इज अ टेबुलेशन मेथड. ग्राफिकल मेथड में ये ह्यूमन ब्रेन लग रहा है, आपको खुद बनाना है, मैच करना है, कौन सा प्राइम इंप्लीकेंट्स है, एडजेसेंट ब्लॉक्स को आपको चेक करना है, ग्राफ देखना है. तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे बनाओगे आप, राइट. यहां अगर इसमें तो आपका पूरा ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफ है, के मैप है, आप इसमें देख रहे हो, राइट. लेकिन जब आप टेबुलेशन मेथड की बात करते हो, ये टेबुलेशन मेथड है. टेबुलेशन मेथड में आप ऊपर से नीचे को कंपेयर करते हो, आप इसकी प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, राइट. और मैं आपको बताता हूं इतना फास्ट बनता है. आप बोलोगे सर आपने भी तो यहां देखा कि किस जगह आपका डिफरेंस है, जीरो का वन हो गया तब तो लिख रहे हैं, नो. अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, लास्ट जीरो और एट में कितना, जीरो और ये देखो ये ग्रुप बना हुआ है, पहला इंडेक्स और ये दूसरा, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ कितने का डिफरेंस है. जीरो और एट में आठ का डिफरेंस है. एट क्या टू टू दी पावर में आता है? यस, टू टू दी पावर थ्री. तो जिस पोजिशन पे आता है वही डिफर करेगा. तो सीधा मैं बता सकता था जीरो और एट इस पोजिशन पे डिफर करेगा, क्योंकि इन दोनों में एट का डिफरेंस है. तो ये वाली जो पोजिशन होती है ये है 8, 4, 2, 1. यहां डैश आएगा, बाकी एज इट इज लिखेंगे. देखो यहां डैश आया, बाकी एज इट इज है. जीरो और एट का डिफरेंस एट है. अब बताइए एट और फाइव का डिफरेंस कितना है? थ्री. थ्री टू टू दी पावर में आता नहीं, तो दोनों की पेयरिंग नहीं बनेगी. एट और नाइन का डिफरेंस कितना है? वन. वन आता है, टू टू दी पावर जीरो.
इज व्हाट वन, इसीलिए आपकी जो वन वन वाली जो पोजीशन है वहां डैश आएगा, देखो वन वाली पोजीशन में डैश आ गया और 100 एज इट इज लिखा हुआ है राइट right? अब बताओ 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 2 to the power 1 इज व्हाट 2, इसका मतलब जो सेकंड पोजीशन वहां से जो आपकी पोजीशन आ रही वहां डैश आएगा, देखो यहां डैश आ गया बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो जहां जो ये है 1 2 4 8, आप 8 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और 2 वाली जगह पे डैश कर दीजिए राइट right? अब देखो 5 और 7 की पेयरिंग बनाया है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है बन सकती है, 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है, 6 2 टू द पावर में आता ही नहीं, पेयरिंग नहीं बनेगी, 5 और 14 में कितने का डिफरेंस है आप देख सकते हो 9, नहीं बन सकता 2 टू द पावर नहीं है, 9 और 7 आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है लेकिन मैंने कहा था बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ पेयरिंग नहीं बनाना है, तो आप छोड़ दीजिए उसको, 9 और 11 2 यस, 9 और 14 आप देखिए 9 और 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है कोई पेयर नहीं है, फिर सिमिलरली 7 एंड 15 बनेगा क्योंकि 8 का डिफरेंस है, 11 एंड 15 बनेगा क्योंकि 4 का डिफरेंस है, 14 एंड 15 बनेगा क्योंकि 1 का डिफरेंस है, और अगर आप ये समझ जाते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल, तो आप बहुत ही फास्ट क्विन मैक्लॉस्की मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, नितेश ने मेरी बात को प्रूफ कर दिया, देखो मैंने भी कितना 4 times यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, हालांकि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो जो भी इंटरव्यू देकर आता है हम उनसे पूछते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया वहां, उसका डेटाबेस बनाते हैं, उसके हिसाब से हम आंसर तैयार करते हैं, वही तो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हो, आप कितने स्टूडेंट से पूछ सकते हो बताइए, आपके कितने दोस्त सेलेक्ट होते हैं राइट right? तो आपसे तो कांटेक्ट होता नहीं, हमसे तो रेगुलर कांटेक्ट होता है, वो इंटरव्यू क्या हुआ था 1 घंटे में वो पूरे डिटेल हमको बताते हैं कि एक एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो मैं ये जानता हूं कि इसको कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द क्यून मैक्लॉस्की मेथड राइट, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, हम इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस आने वाला है, तो जैसा कि अभी नितेश ने बताया राइट तो ये क्लियर हो गया पॉइंट नितेश आपको, ओके देन अब हमारा आज का टाइम भी ओवर हो रहा है, और आपको मैं अब असाइनमेंट जो देने वाला हूं प्लीज उसे कवर कीजिएगा, इसे 2-2 के डिफरेंस में आप जरूर देखिएगा, बहुत ही फास्ट बनता है, होप सो आपने नोट कर लिया होगा राइट right? तो मैं जस्ट आपको शॉर्टकट बता दूं, और वो शॉर्टकट के साथ अभी मैंने कुछ बताया ही है आपको, उस शॉर्टकट का यूज करते हुए आप अपने आप डैश लगाते चले जाओगे, जब भी आपको पेयरिंग ऐसे की पेयरिंग बनाइए जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो 2 to the power में आना चाहिए, और वो है 2 to the power 0, 1, 2 to the power 1 या तो 2, 2 to the power 2, 4, 2 to the power 3, 8 and so on, अगर आप ऐसे पेयरिंग बनाएंगे और जिस पॉइंट पर डिफरेंस है, जैसे आपका 0 का 2 to the power 0 मतलब 1 का अगर डिफरेंस है तो 1 वाली पोजीशन पे डैश कर दीजिए, बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए, ये बनाइएगा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ये है क्वेश्चन, ये आप इससे जरूर बनाइएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम इंप्लिकेंट्स टेबल, और ऐसा आप के मैप से भी बना सकते थे। इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग क्विन मैक्लॉस्की मेथड, क्विन मैक्लॉस्की राइट टैबुलेशन मेथड, कल आप इसका आंसर बताइएगा, कल मैं इसे सॉल्व करता हूं और वही शॉर्टकट लगाइएगा, देखिएगा अगर मैं आपको सब कुछ सॉल्व कर दूंगा तो आप कब करेंगे, इसको जरूर बनाइए। फिर दूसरा है ये राइट इसे भी आप बनाइए बाय यूजिंग क्विन मैक्लॉस्की मेथड, और देखो आप मैं बार बार बोलोगे सर आप 4 variable वाला ही क्यों दे रहे हो, अरे 4 variable वाला पहले क्विन मैक्लॉस्की से बनाओ और फिर के मैप से भी बनाओ, और आपके पास दोनों आंसर है, आप समझ जाओगे कि भाई मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी, आप इसे के मैप से बनाकर पहले ही आंसर निकाल सकते हो, फिर क्विन मैक्लॉस्की से बनाओगे तो आप मास्टर बन जाओगे 4 variable में राइट। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग द क्विन मैक्लॉस्की मेथड एज वेल एज व्हाट के मैप, तो के मैप में मैंने कल असाइनमेंट दिया था इसलिए मैं इसे के मैप से तो आपको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे राइट right? तो आप देख लीजिएगा के मैप में 5 variable अगर आप के मैप बनाते हैं तो
यस, ये है फाइव वेरिएबल के मैप, यस राइट। अब आपको जो भी आपको लिखा हुआ है x1 x2 x3 वेरिएबल यही होने चाहिए, तो x1 यहां पे लगा दीजिए बार और ये हो गया x1, और उसके बाद x2 x3 राइट ध्यान दीजिएगा ये इसके लिए हो गया x2 x3, तो x2 x3 बार x2 x3 ध्यान दीजिए ना x2 x3 x2 x3 x2 x3 बार राइट। और यहां जो आप लिखोगे वो मैं लिख दूं अलग से x4 x5 बार बार x4, इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिएगा ये है x4 x5 राइट। यहां आप लगाइए बार और फिर इसे आप लिख लीजिए x1 है, ये है आपका x1 बार, ये है MSB के लिए x1 एंड x1 बार। इस पूरे ब्लॉक के लिए x1 0 है, इस पूरे ब्लॉक के लिए x1 1 है, और ऊपर आप जैसा लिखते हैं वैसा लिखिए, आप लिखेंगे x4 x5 बार बार x4 x5 x4 x5 x4 x5 का बार राइट। उसके बाद देखिए नंबरिंग मैंने आपको पहले ही समझाया था, यहां आएगा 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 and what 14, यहां से आ जाइए 16 17 19 18 20 21 23 22 25 26 27 or 28 27 29 30 राइट। एक मिनट कहां मिस्टेक है, देखिए 16 17 19 18 20 21 23 22 24, यस ये थोड़ा सा करेक्शन, यहां 24 25 27 26 28 29 31 and what 30, ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। उसके बाद जो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जमा लीजिए, जैसे 01 01 2 8 9 15 17 21 24 25 27 and what 31, ये हो गया आपका नंबर। उसके बाद देखिए इसकी और इसकी सेम पोजीशन पर है तो पेयरिंग हो सकती है, अदरवाइज इसको देखिए, अब ये आप देखोगे कि मुझे मैक्सिमम पेयरिंग करनी है 32 पॉसिबल है, तो अगर नहीं है तो 16, अगर वो नहीं है देन 8 और वो भी नहीं है देन 4, तो 8 की पेयरिंग पॉसिबल है क्या, यहां से यहां भी देख सकते हो आप, नो जब 8 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो हम 4 की पेयरिंग देखते हैं, देखिए ये दो और इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है राइट। वाई, क्योंकि देखो दोनों सेम पोजीशन पे है और यहां x1 है और यहां x1 बार, तो सबसे पहले आपका गायब हो जाएगा x1, और उसके बाद नॉर्मली यहां से जो लिखते हो आप देखिए यहां से क्या गायब हो रहा है, ऊपर से आप देखेंगे तो x5 मिस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा x2 x3 बार एंड व्हाट x4 बार एंड दैट इज, और दोनों में जब पेयरिंग होती है, दोनों जब सेम ब्लॉक्स है तो वहां पेयरिंग होगी और वहां से पहले तो सबसे पहले MSB गायब हो जाएगा, ये आंसर बन गया ओके। दूसरा आप देखो सिमिलरली आप इन दोनों की पेयरिंग बना सकते हो, देखो सेम पोजीशन पे और सेम पोजीशन पे इसको बाहर लाइए इसको बाहर लाओ, तो सबसे पहले फिर देखो x1 गायब राइट, और एक के लिए लिखिए, एक के लिए आप लिखोगे x2 x3 x4 x5 ये भी एक आंसर है राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से बच गए उनको कवर करना है हमें, देखो इसकी इंडिविजुअल पेयरिंग किसी के साथ नहीं बन रही है, क्या इसकी किसी के साथ पेयरिंग बन रही है, देखिए ऊपर यस, तो इसके साथ आप पेयरिंग बनाइए, इधर से कुछ बन रहा है नो, आप इन दोनों की पेयरिंग बना सकते हो, इसका आंसर आप लिखिए, इन दोनों की पेयरिंग बनाइए इसका आंसर लिखिए, लेकिन जब देखिए ध्यान देना
जब आप इन दोनों की पेयरिंग बना रहे हैं तो और कोई मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है इसका, ध्यान रखिए। मैं इसका आंसर आपको लिख कर देता हूं, इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा x1। उसके बाद जो नॉर्मल तरीके से लिखते हो आप लिखिए, यहां से आपका गायब हो गया x3 और आ गया x2 बार, और यहां से आपका है कॉलम x4 बार x5, एंड दैट इज फॉर दिस, ये वाला, क्योंकि इसमें देखिए इसी ब्लॉक में बना था तो x1 कॉमन रहेगा। सिमिलरली आप इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा, x1 बार यहां इसके लिए, और बाकी जैसा आप उससे कोई मतलब नहीं है तो आप यहां लिखोगे x2 बार x3 बार और ऊपर में आपका गायब हो गया x5 तो x4 बार, राइट। अब आप देखिए एक आ गया इन दोनों का, राइट, ये आ गया इन दोनों के लिए, ये आ गया उसके लिए, ये आ गया। अब बचा कौन सा है आपका पॉइंट, देखिए ये वन बच गया, राइट, और ये वन इसके साथ पेयरिंग बनाएगा। पहले मैंने इन दोनों के तो बना ली, अब इन दोनों की आप पेयरिंग बनाइए और आंसर लिखिए, और ये वाला जो वन है उधर कहीं भी ग्रुप नहीं दिख रहा है, राइट, तो ये वाला वन किसके साथ पेयरिंग बनाएगा, जीरो के साथ पेयरिंग बना लेगा, क्योंकि कॉर्नर में ये इसका एडजेसेंट ये है, ओके। और जब इसका एडजेसेंट ये है तो इसमें से कॉमन क्या रहेगा, x1 बार, राइट, तो हम लिख सकते हैं x1 बार तो कॉमन है, राइट, और ये आ गया x2 बार x3 बार, और यहां से आपका गायब हो गया x4 x5 बार, दैट इज ये। और लास्ट आपका जो बच गया ये वाला वन, या तो आप इसके साथ पेयरिंग बना सकते हो, और तो दो से ज्यादा बन नहीं रहा है, या तो फिर आप इसके साथ पेयरिंग बना सकते हो इसकी, ओके। और जब इसके साथ अगर आपने पेयरिंग बनाई तो आपका सबसे पहले कॉमन निकला x1, और उसके बाद आपका यहां से आएगा x2 x4 x5, एंड सबको आप ऐड कर लीजिए, एंड दैट इज द आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि कैसे पेयरिंग बनाना है आपको, अगर कोई मिस हुआ होगा तो आप देखिएगा और इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। दैट इज द 5 वेरिएबल के मैप, 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल तक आपको टेबुलेशन मेथड का लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे 15 मार्क्स कि आप सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग टेबुलेशन मेथड, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे वो फिर 4 वेरिएबल का ही क्यों ना हो, तो आपको आना चाहिए, राइट। और ये है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप पहले आप 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के मैप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कल भी हम 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे टेबुलेशन मेथड पर और 6 वेरिएबल के मैप पर, तो जरूर देखिएगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए, ये भी है बाय यूजिंग द डोंट केयर कंडीशन, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आंसर दीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। हाँ आरिफ, गुड मॉर्निंग, जब अच्छा आपने कल वो भी भेजा था, आपने अपने इनको क्वेरीज भेजी थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में ट्रांसकंडक्टेंस कैसे निकालते हैं जब मोर देन वन ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो, ओके, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आप क्या कैस्कोड एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर फॉलोड बाई कॉमन कॉमन बेस, यस दैट इज अ कैस्कोड एम्पलीफायर, नॉर्मली उसमें ट्रांसकंडक्टेंस पूछता है कैस्केडिंग में, राइट, तो क्या आप कैस्कोड की बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस, तो आप बता सकते हैं उसको, वो मुझे बताइएगा। अगर वही बात है तो मैं उसी स्पेसिफिक एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो जनरलाइज तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे निकालना होता है, ओके। तो ये आप बनाइएगा क्वेश्चन, आपके लिए असाइनमेंट है, और वीडियो आप लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लाइक जरूर कीजिए, उससे पता चलता है आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, आपको बात समझ आ रही है मेरी, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लान करने का ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर जल्दी ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी नेटवर्क की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बेसिक से, और यूज कीजिए माई कोड राठी लाइव RATHILIVE एंड गेट द 10% डिस्काउंट, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक।